चुके हैं स्टेट प्रेसिडेंट राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जम्मू कश्मीर। मेरे साथ इंजीनियर आर सी बंगोत्रा जी, ये नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के। दीपक बंगोत्रा जी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू के हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के। दीदी थापा जी ये कैशियर हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जम्मू कश्मीर के। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये सिमर है कि हमारे एक साथी टीचर जोगिंदर सिंह जीपीएस रामबन को इस बेस पर सस्पेंड कर दिया डीसी रामबन ने कि फेसबुक के ऊपर कुछ ऐसे कमेंट लिखे हैं जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ जाते हैं इस प्ली के ऊपर, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हमने भी उसकी फेसबुक चेक की है। तो वो कुछ लोगों ने ऐसा है कि उसकी फेसबुक को हैक करके तो कोई फेक फेसबुक बना के तो उस पर किसी ने कोई कमेंट दिए होंगे, लेकिन वो लगता है कि ये एक बकायदा सोची सबकी साजिश है और कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में जो खास लोग जो हैं जो उस देश में नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं उनकी भी बाकी ऊपर ऐसा किया गया है। लिहाजा ये उसमें कोई बेस नहीं बनती है। अगर वो सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते कुछ बातें लिखते हैं फेसबुक के ऊपर, सामाजिक बातें लिखते हैं, तो वो फंडामेंटल राइट है हर आदमी का जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी है। लिहाजा हम ये डीसी रामबन से रिव्यू अपील करना चाहते हैं कि अपने फैसले को रिव्यू करें और सस्पेंशन ऑर्डर उनका जो है जोगिंदर सिंह का उसको रिवोक करें और उसको लॉ करें, तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें ताकि स्टूडेंट की स्टडी जो है वो सफल ना हो।